बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े गए पाठ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो प्रश्नोत्तर हम लोग करेंगे इस पाठ का, और जिसका नाम है भगवान के डाकिए। तो पाठ 6, वसंत भाग 3 का हम लोग आज प्रश्न शुरू करेंगे कविता से। और जिसमें पहले पहले प्रश्न में कहा गया है कि कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, सोच कर लिखो। तो जैसा कि इस कविता में कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए के रूप में जो है बताया है और उसका वर्णन किया है, और इसी पर ये प्रश्न है कि कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, सोच कर लिखिए। तो इसमें हम लोग जो सबसे पहला प्रश्न करेंगे, तो इसमें पहले प्रश्न का उत्तर है यहाँ पे कविता से यहाँ पे शीर्षक के अंतर्गत हम लोग उत्तर एक लिखेंगे। उत्तर एक कि कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है। तो पक्षी व बादल देशों की सीमाओं का बंधन नहीं मानते, देशों की सीमाओं का देशों की सीमाओं का बंधन नहीं मानते। पक्षी जो है, कोई इनके लिए कोई देश की सीमा नहीं है और कोई जाति पाति का बंधन नहीं है, और ये जहाँ चाहते हैं वहाँ उड़ जाते हैं। तो इस तरह से पक्षी जो है वो देश की सीमाओं का बंधन नहीं मानते। वे भगवान के डाकिए को, जो पक्षी और बादल हैं, वे इसको जो है डाकिए कहे हैं कवि और पक्षी और बादल को। तो वे इस बंधन को नहीं मानते, वे भगवान के संदेश को हम तक लाते हैं। वे भगवान के संदेश को वे भगवान के संदेश को हम तक लाते हैं। इसलिए कवि पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए कहा है। पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए कहा है, भगवान के डाकिए कहा है। इनके द्वारा लाए गए संदेशों को इनके द्वारा लाए गए इनके द्वारा लाए गए लाए गए संदेशों को सिर्फ लाए गए संदेशों को सिर्फ पेड़ पौधे वनस्पतियाँ कहते हैं पेड़ पौधों को, पेड़ पौधे पानी और पहाड़
और पहाड़ पढ़ पाते हैं, पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं। इनका संदेश इनका संदेश किसी व्यक्ति विशेष के लिए ना होकर इनका संदेश किसी व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष के लिए ना होकर विश्वव्यापी होता है। व्यक्ति विशेष के लिए न होकर विश्वव्यापी होता है, यानी कि पूरे विश्व में इसका जो है संदेश जाता है। विश्वव्यापी होता है और इनके संदेश विश्व बंधुत्व के होते हैं और इनके संदेश विश्व बंधुत्व के होते हैं, यानी कि इनके संदेशों में भाईचारा होता है। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया गया है कि पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, नदियाँ, झरने पानी आदि लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोचकर लिखिए। तो यहाँ पर दूसरा उत्तर है, पक्षी और बादल के द्वारा लाई गई चिट्ठियों को बादल के द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे पेड़ पौधे नदियां झरने पानी आदि नदियां झरने पानी आदि प्रकृति के सभी रूप पढ़ पाते हैं। बादल और पक्षी इनके द्वारा लाई गई चिट्ठियों को प्रकृति के जितने रूप हैं, जैसे पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ, पानी, ये सब जो है, ये सभी जो जितने भी रूप हैं वो इनकी लाए गए संदेश को पढ़ पाते हैं। और अब इसके आगे जो है प्रश्न दिया हुआ है, तीसरा प्रश्न है कि पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं, वो इसमें क्या पढ़ पाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इनके द्वारा लाई गई चिट्ठियों को ये प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें वो किस तरह से उनके संदेश को पढ़ते हैं। और अब जो है यहाँ पर
तीसरा प्रश्न हम लोग करेंगे, यहाँ पर तीसरे प्रश्न में किन पंक्तियों का भाव है। यहाँ पर तीसरा प्रश्न जो है वो ये है, किन पंक्तियों का भाव है कि पक्षी और बादल प्रेम सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। और इसमें ख दिया हुआ है, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये इसमें इन पंक्तियों का भाव लिखना है कि ये किस तरह से तो इसमें हम लोग को प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। किन पंक्तियों का भाव है ये यहाँ पे लिखना है कि ये भाव किन पंक्तियों में आता है। तो जैसे कि क में लिखा हुआ है, तीसरे के क में, पक्षी और बादल प्रेम सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। तो ये जो है यहाँ पर हम लोग क वाला प्रश्न लिखने के बाद उत्तर में इन पंक्तियों को लिखना है। तो तीसरे का क यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, तीसरे का क, तो कविता की कौन सी पंक्ति में ये भाव आता है ये यहाँ पे लिखना है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं, पक्षी और बादल ये भगवान के ये भगवान के यहाँ पे हम लोग जैसे कविता में लिखा है वैसे ही लिखेंगे, ये भगवान के डाकिये हैं, जो एक महादेश से जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं उनकी लाई चिट्ठियाँ, हम तो समझ नहीं पाते हैं उनकी लाई चिट्ठियाँ, हम तो समझ नहीं, हम तो समझ नहीं पाते हैं, हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो ये पंक्तियाँ हैं जिसपे ये भाव आता है। और अब हम लोग यहाँ पर तीसरे के ख का उत्तर ढूंढेंगे। तीसरे के ख में दिया है कि किन पंक्तियों का भाव है कि प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। तो अब हम लोग तीसरे का ख करेंगे। तो ये सभी ने लिख लिया होगा, ये किताब से भी देख के लिखा जा सकता है।
शुरू की पंक्तियां हैं ये, और अंतिम पंक्ति जो है वो तीसरे के ख में उत्तर आएगा। तो यहाँ पे हम लोग वो पंक्तियाँ खाली लिख देना है जिसमें ये भाव आता है। तो तीसरे का ख प्रश्न लिखने के बाद ये उत्तर लिखना है। तो हम तो केवल यह आंकते हैं, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, दूसरे देश को सुगंध भेजती है। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए और वह सौरभ, सौरभ मतलब खुशबू, सुगंध, वह सौरभ हवा में तैरते हुए वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है, पक्षियों की पांखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी, और एक देश का भाप एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, दूसरे देश में एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो इस तरह से ये दूसरे तीसरे के ख में इन पंक्तियों का भाव जो है वो इस तरह से इन पंक्तियों के माध्यम से दिखाया गया है। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, और अगले प्रश्न में यहाँ पे चौथा प्रश्न है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं। तो ये सब उन चिट्ठियों में क्या पढ़ पाते हैं ये जो है यहाँ पर लिखना है। तो इसका उत्तर हम लोग करेंगे अभी। तो प्रश्न चार यहाँ पर कविता से आगे का कविता से, तो पक्षी और बादल की चिट्ठियों में उत्तर चार है ये, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पानी और पहाड़ ईश्वर के भेजे संदेश को पढ़ पाते हैं कि पढ़ पाते हैं यहाँ पे
कि हवा व पक्षियों के पंखों से, हवा और पक्षियों के पंखों से पंखों से उड़ उड़कर आने वाली सुगंध, उड़ उड़कर आने वाली उड़ उड़कर आने वाली सुगंध उड़ उड़कर आने वाली सुगंध और एक देश के जल की भाप से बना बादल और एक देश की जल के भाप से जल के भाप से बना बादल एक देश के जल के भाप से बना बादल दूसरे देश में बरस कर दूसरे देश में बरस कर एक देश के जल के भाप से बना बादल दूसरे देश में बना बादल दूसरे देश में बरस कर विश्व बंधुत्व की भावना का ही भावना का ही प्रसार करते हैं भावना का ही प्रसार करते हैं लेकिन इसके विपरीत लेकिन इसके विपरीत लेकिन इसके विपरीत मानव सीमा के बंधनों में इसके विपरीत मानव सीमा के बंधनों में बंधे होने के कारण सीमा के बंधनों में बंधे होने के कारण यह कार्य नहीं कर सकता परंतु पक्षी और परंतु पक्षी और बादल बंधन मुक्त होने के कारण परंतु पक्षी और बादल बंधन मुक्त होने के कारण यह कार्य
यह कार्य स्वच्छंदता पूर्वक कर सकते हैं। स्वच्छंदता पूर्वक कर सकते हैं। तो यहाँ पे पक्षी और बादल जो हैं वो बिल्कुल स्वतंत्र हैं, उनमें किसी तरह का जो है भेदभाव नहीं है, और इसीलिए वो ये कार्य बहुत ही स्वतंत्र रूप से कर पाते हैं। उन्हें किसी की सीमा से कोई मतलब नहीं होता है कि किसी देश की कोई सीमा है कि यहाँ से दूसरा देश शुरू होता है, यहाँ से तीसरा देश शुरू होता है, तो ऐसा कोई भी वहाँ पे उनके साथ बंधन नहीं है, और इसीलिए जो है ये कार्य पक्षी और बादल कर सकते हैं। वो अपनी सुगंध, अपना पानी जो है बिना किसी भेदभाव के बरसाते हैं। और अब यहाँ पे जो पांचवा प्रश्न है, ये प्रश्न सभी ने कर लिया होगा, और इसमें पांचवा प्रश्न है कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इस कथन का भाव स्पष्ट करना है कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। तो यहाँ पे हम लोग पांचवा प्रश्न करेंगे। तो इस कथन का भाव यह है कि उत्तर पांच है, ये इस कथन का भाव यह है कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हर देश अपने प्रेम के संदेश को हर देश अपने प्रेम के संदेश को प्रेम के संदेश को पक्षियों के पंखों के माध्यम से पक्षियों के पंखों के माध्यम से पक्षियों के पंखों के माध्यम से दूसरे देश को भेजता है, दूसरे देश को भेजता है। एक देश से दूसरे देश को भेजता है, यानी पृथ्वी के सभी मनुष्य एक समान है, यानी अर्थात अर्थात पृथ्वी के अर्थात पृथ्वी के सभी मनुष्य एक समान है, पृथ्वी के सभी मनुष्य पृथ्वी के सभी मनुष्य एक समान है। वे कहीं के निवासी क्यों न हों, वे कहीं के निवासी क्यों न हों, यानी कि वो कहीं भी क्यों न रहते हों, क्यों न हों, वे कहीं के निवासी क्यों न हों। अब यहाँ पर है प्रकृति स्थान का क्यों न हो, यहाँ पर प्रकृति प्रकृति स्थान का बिना भेदभाव के स्थान का बिना भेदभाव के बिना भेदभाव के
अपने पराए की भावना से ऊपर उठकर अपने पराए की भावना से भावना से अपने पराए की भावना से ऊपर उठकर ऊपर उठकर सुगंध भेजती है, सुगंध भेजती है। इस सुगंध में प्रेम, एकता, सद्भाव, इस सुगंध में प्रेम, एकता, सद्भाव इस सुगंध में प्रेम, एकता और सद्भाव तथा समानता का तथा समानता का संदेश छिपा होता है, संदेश छिपा होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रश्न 5 तक पूरा किया और सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी में पूरा लिखेंगे प्रश्नों के साथ, और इसका जो शेष प्रश्न है वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।